Drop it. What? Hold up. वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आई हैव आइसोलेटेड माई सेल्फ, दैट इज़ बिकॉज सिंस 3 days मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है. बहुत बुरा फीवर चढ़ा हुआ है. चढ़ता है कम होता है, चढ़ता है कम होता है. मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कंटिन्यूसली वॉमिटिंग हो रही है. सो आई एम नॉट श्योर कि मुझे कोरोना है कि नहीं है. तो आई एम नॉट श्योर मुझे कोरोना है कि नहीं है. सो एज सून एज आई स्टार्टेड टू गेट दीज सिम्टम्स, मैंने खुद को आइसोलेट कर दिया है. बिकॉज घर में ऑब्वियसली मामा का भी सर्जरी हुई है, एंड प्लस पेरेंट्स मेरे थोड़े से यू नो उनका दे आर मोर प्रोन टू करोना. एंड घर में बलिदान भी है. अब दो बच्चों की इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग होता है, बट बड़े और बच्चों से हमें जितना दूर रहना चाहिए, रह सकते हैं उतना रहें. टेस्ट वगैरह अभी हमने नहीं किए हैं, मुझे सिर्फ सिम्टम्स आना स्टार्ट हुए हैं एंड मैंने खुद को आइसोलेट कर दिया है. दुआ करेगा ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम्स कोरोना के आना स्टार्ट हो जाते हैं वो आफ्टर अ वीक आई गेस आना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड ऑलमोस्ट अ वीक और मे बी 8 to 9 days पहले से मैं हॉस्पिटल से होके आई हूँ. एंड हॉस्पिटल ही बहुत यू नो बहुत एक एरिया है जहाँ आपको कोरोना होने के बहुत चांसेस हैं. आई जस्ट होप नहीं है. आई हैव नो आइडिया मैं आगे आपको किस चीज़ पर अपडेट करूँ. आई एम जस्ट हैविंग माई लंच, दैट इज़ बिरयानी. आई डोंट नो कि मुझे भी बिरयानी खानी चाहिए कि नहीं. ऐसे आइसोलेट नहीं किया, मतलब जब हम सोने, जब सब वर्ड्स नहीं निकल रहे मेरे मुँह से, जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं, हम भी अपने कमरे में आ जाते हैं कोई 11-12 बजे, उस टाइम से मैं अपने कमरे में ही हूँ. मैंने दरवाज़े वगैरह सब बंद कर दिया है, मैं खुद नहीं निकल रही हूँ. बाबा मेडिसिन वगैरह लेने गए, अभी मैं सिर्फ एक ही मेडिसिन ले रही हूँ, दैट इज ओह गॉड. मैं अभी फ़िलहाल एक मेडिसिन ले रही हूँ, दैट इज़ कफ की सीरप, विच इज़ दिस. वेल मुझे ये नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये खांसी और बढ़ाएगी, बट आई एम रियली हंग्री यू गाइस. मैंने इतनी वॉमिट की है कि, और आई एम श्योर ये खाने के बाद भी मैं इसको भी निकाल ही लूँगी. मुझे इतनी शदीद भूख लगी है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू. मुझे अब मैं इतनी अभी इस वक्त ड्राउजी हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पहले चाय पीऊँ कि अपना खाना खाऊँ. बाबा ने बोला पहले खाना खा लो, मेडिसिन लेने गए हैं. एंड इफ़ यू गाइज डू नॉट नो, यहीं पे मेरे कमरे में, आई वॉन्ट शो यू, बट यू गाइज प्रॉबेबली नो मेरे रूम में एक विंडो है जो हमारी बालकनी से कनेक्ट होती है, दैट बालकनी कनेक्ट्स टू द टीवी लाउंज. सो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, यहीं से सारी चीज़ें आ रही हैं, यहीं से खाना भी आया है. फॉर टू रीजन्स मैंने अभी तक कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है. वन इज़ ऑब्वियसली वी डू नॉट नो इफ मुझे कोरोना है कि नहीं है, एंड डेफिनेटली वो टेस्ट के बाद ही हमें पता चलेगा. सेकेंड, अगर मैं बहुत माइल्ड लेवल पे हूँ तो जितने दिन मैं खुद को आइसोलेट कर रही हूँ वो उन्हीं दिन इसको यू नो क्योर हो जाना चाहिए. एंड आई एम शेकिंग राइट नाउ. अगर है तो ऑब्वियसली मुझे गाड़ी में बैठ के जाना पड़ेगा, कोई ना कोई मेरे साथ होगा. मैं किसी और की हेल्थ को रिस्क नहीं करना चाह रही हूँ. आई डोंट नो मैं क्या करूँगी. PR पैकेजेस हैं, मैं उन्हीं को इंस्टाग्राम में इनबॉक्स कर दूँगी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लिप. आई लुक अ बिट डेड,
लेट मी जस्ट अप्लाई अ बिट ऑफ टिंट ताकि फिर हम इसको ब्लॉग कंटिन्यू करें बिकॉज बहुत ज़्यादा ही बहुत आई लुक हॉरिबल जस्ट टू मिनट्स यू गाइस ओके तो स्लाइटली बेटर बीमार है तो क्या हुआ मेकअप नहीं कर सकते हैं क्या अच्छा एनी वे सो आज ऑफिशियली 7 दिन हो चुके हैं कि मैंने खुद को थोड़ा सा सेल्फ आइसोलेट किया हुआ है नाउ द थिंग इज़ कि मेरा फीवर तो जा चुका है मुझे बहुत लो डिग्री फीवर फील हो रहा है एज सच कोई फीवर नहीं है बहुत बेहतर हो गया है मुझे मेरी खांसी बहुत बहुत स्लाइटली सी खांसी है कुछ ऐसा खांसी नहीं है एंड सो में थोड़ा सा पेन है लो डिग्री फीवर ऐसा है कि मुझे अंदर से फील हो रहा है कि यू नो फीवरिश फील होता है सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग अदर देन दैट एवरीथिंग इज कूल ये ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैं बहुत वीक हो गई हूँ अंदर से आई डोंट फील स्ट्रांग यू गाइस आई फील सो वीक एक और चीज़ मुझे ये बतानी थी कि सॉरी इफ यू गाइस कैन सी माय मेसी बैकग्राउंड इफ यू गाइस कैन सी एनीथिंग मेसी जस्ट इग्नोर दैट बिकॉज आई डू नॉट हैव इतनी एनर्जी कि मैं अपना बैकग्राउंड साफ कर सकूँ कुछ भी करूँ मैंने जितनी वॉमिट की है थ्रू आउट द वीक एंड जितना मेरा मुझे नॉजिया रहा है एंड बिकॉज टैबलेट्स भी ले रही थी उसकी वजह से भी यू नो वो होता है नॉजिया वगैरह एंड वो यू कॉल दैट लेथार्जिक आप फील करते हैं सो दैट इज़ द रीज़न आई फील है कि मैं बहुत वीकेंड फील कर रही हूँ फ्रॉम इनसाइड सो मेरे पास हिम्मत नहीं हो रही मैं कुछ कर सकूँ और चीज़ मुझे फील होना स्टार्ट हुई है वो ये है कि हम जिसको ना पॉप अप पिक्चर राइट है मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकती एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे इस एरिया में फॉर द लास्ट 3 डेज बहुत बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो रहा है इतना हो जाता है कि मेरा चलना लेटना अभी भी हो रहा है कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा जिस स्टिल हो रहा है आई एम ड्रिंकिंग एज मच वाटर एज आई कैन आई एम कीपिंग माई सेल्फ हाइड्रेटेड पहले आप लोग ये कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे दूसरा कराची में इतनी सर्दी नहीं है आई मीन बीच में पड़ी थी अब नहीं है दैट इज़ बिकॉज मुझे एकदम से सर्दी लगना स्टार्ट हो गई थी सो आई डिसाइडेड टू वेयर ए टर्टल नेक या द रीज़न आई पिक्ड अप द व्लॉग मैं अपने फ़ोन से व्लॉग कर रही हूँ बिकॉज मेरा कैमरा इज़ नॉट चार्ज्ड एंड मेरे पास इतनी ताकत नहीं है टू यू नो उसकी बैटरी निकाल के मैं चार्जिंग पे रखूँ आई डू इट राइट नाउ ओके सो द रीज़न आई पिक्ड अप दिस कैमरा सो मैंने कैमरा क्यों उठाया है क्या आपको अपडेट करना है आपको ये अपडेट करना है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ आई हैव नो वन टू टॉक टू राइट नाउ फ़ोन पे भी हम कितना फ़ोन यूज़ करेंगे इन द एंड वी डू गेट यू नो बोर्ड एंड आई एम सो बोर्ड राइट नाउ आई हैव नथिंग टू डू मैं सिर्फ ये कुछ हेयर स्टाइल्स वगैरह बना बना के अपना टाइम पास कर रही हूँ या कुछ पी आर्स आ जाते हैं एंड वो करके अपना टाइम पास कर रही हूँ I don't have anything to update you guys on, but ये है कि I decided to talk to you guys. I have no idea बाहर सब क्या कर रहे हैं आवाज़ तो आ रही है विल्दान probably अपने कार्टून देख रहा होगा मम्मा अपने कमरे में होंगी टीवी की आवाज़ नहीं आ रही अब्बू पता नहीं किधर है भाभी मेरा अपने कमरे में होंगे एंड या लेट मी कॉल मेहरान और उसको कहूँगी खिड़की पे आए एंड आई वांट हैव अ टॉक विद हिम बिकॉज आई एम बोर्ड लेट जस्ट कॉल हिम यू गाइस ओके तो भाभी से बातें कर रही थी भाभी पूछ रही थी कि तुम क्या कर रही हो हाल चाल पूछ रही थी मैं उनके हाल चाल पूछ रही थी कह रही थी कि बस ऐसे ही अपने हेयर स्टाइल्स वगैरह बना के टाइम पास कर रही हो तुम ये बातें हो रही थी और चिढ़ा रही थी मुझे कि मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या खाया ये और वो तो मुझे चिढ़ा रही थी कि हमने अभी बिरयानी खाई है सुबह में पिज्ज़ा मंगवाया था और बिल्कुल तुम्हारी याद नहीं आ रही है उन्होंने कहा था कि मेरी खिड़की पे आके मुझसे बात करें तो कह रही हैं कि नहीं बिल्कुल इतनी मुश्किलों से तुमसे जान छूटी है कैसे हम बुलाएं तुम्हें तो मैं ऐसे ही यहाँ वहाँ रैंडम बातें कर रहे थे सबका पूछ रही थी कि सब क्या कर रहे हैं एंड इतनी यू नो गाइस फनी बात थी कि हम एक ही घर में बैठ के सिर्फ दरवाज़ा दोनों साइड का दोनों रूम के दरवाज़े खुलने का था एंड हम वो भी नहीं कर सकते थे हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे इट वाज फनी प्लस थोड़ा सा सैड पार्ट था क्योंकि मैं यू नो किसी से मिल नहीं सकती थी विल्दान को प्यार नहीं कर सकती थी ये देखिए मेरे बगैर ये लोग मज़े कर रहे हैं
बिरयानियाँ खा रहे हैं, पिज्जे मंगवा के खा रहे हैं, बाहर निकल लेते भाभी मुझे, फिर मैं आप लोग के सामने बैठ के सारी चीज़ें खाऊंगी, और बिकॉज मैं अच्छी हूँ मैं शेयर भी कर लूँगी। और मुझे एक बाद में याद आया कि व्हाट्सएप में ऑडियो, मतलब जब आप वीडियो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो आवाज़ नहीं सेव होती, तो मैंने वॉइस ओवर ऑब्वियसली दे दिया था कि हमने क्या बारे में बात कर रहे थे। तो या आई मिस देम एंड आई जस्ट होप ये जल्दी से एंड हो और मैं बाहर जाऊँ। आई विल अपडेट यू गाइस लेटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लिप। आई एम व्लॉगिंग आफ्टर सो मेनी डेज, आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने लास्ट क्या व्लॉग किया था। अभी मैं हूँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो बाहर क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपने टेस्ट्स वगैरह करवाने आई हूँ, चेकअप वगैरह। अभी मैं अल्ट्रासाउंड के बाहर हूँ क्योंकि आई टोल्ड यू गाइस अबाउट द स्ट्रेन जो मुझे एब्डोमिनल एरिया में हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा बेसिकली मेरे एब्डोमिनल एरिया में क्या मसला है। एंड देन फिर हम नीचे जाएंगे फॉर द ब्लड टेस्ट टू गैप, एंड उसका भी हमें रिजल्ट का वेट करना है। बट या मैं सबको बहुत येलो लग रही हूँ, मम्मी को भी येलो लग रही हूँ, आई डोंट नो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे सारे ब्लड टेस्ट हो रहे थे, और जब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे वो लोग, उन्होंने बताया था कि जो मेरी गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिकन हो चुकी हैं एंड लिवर इन्फेक्शन हो गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये ब्लड टेस्ट वगैरह लिए जा रहे थे, तो उसकी भी रिपोर्ट होपफुली जल्दी आ जाएगी, कोरोना की भी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। कोरोना प्रॉब्ली नहीं है, तो उस सब के टेस्ट मैं आपको इंस्टाग्राम पर अपडेट कर दूँगी। वॉज अ लिटिल अपडेट ऑन माई लाइफ राइट नाउ, सो गाइज प्लीज़ प्रे, इंशाल्लाह ताला कोरोना तो नहीं है, बट अगर मुझे जॉन्डिस कह रहे हैं ये लोग, आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर एंड आई एम गोना सी यू गाइज सून इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग नाउ। अंटिल देन टेक केयर फॉर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह यू गाइज़।